क्योंकि माताओं बहनों में पाखंड ज्यादा फैलता है, ये बाबाओं के चक्कर में आ जाती है। इसलिए महर्षि देव दयानंद की ने विशेष जोर दिया कि महर्षि दयानंद जी ने कहा कि इन महिलाओं को सुशिक्षित करना, इन्हें पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये ना केवल एक कुल का उद्धार करती हैं, बल्कि दो दो कुलों की रक्षा करती हैं। इसलिए महर्षि देव दयानंद जी ने कहा कि बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार है। आज जो नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे महर्षि देव दयानंद जी ने तो पहले ही कह दिया था कि यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर इन नारियों का सम्मान होता है, इन बेटियों का आदर होता है, वहाँ पर साक्षात देवता निवास करते हैं, वहाँ पर स्वर्गमयी वातावरण तैयार होकर के उपस्थित हो जाया करता है। इसलिए माताओं आपकी संख्या अच्छी है, और यदि मैं आपके विषय में कुछ ना बोलूँ तो मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए कुछ अन्याय होगा, क्योंकि यदि इस भारत को स्वर्ग बनाना है ना, तो वो भी केवल और केवल आपके हाथों में है। आइए कुछ पंक्तियां आपको समर्पित, तत्पश्चात अपनी वाणी को विनमित करूंगी मैं। कि भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों। ओ तुम वैदिक, तुम वैदिक, तुम वैदिक व्रत निभाओ रे, भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे, भारत की नारियों, 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 तुम वैदिक धर्म निभाओ रे, भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे, भारत की नारियों, भारत की देवियों, हे भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ हे भारत की नारियों। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अभिमन्यु 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 गोद खिलाओ रे, भारत की नारियों, अभिमन्यु गोद खिलाओ रे, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे, भारत की नारियों, भारत की नारियों, हे भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ हे भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ हे भारत की देवियों। और बड़ी सुंदर बात आप सभी के मध्य में रखने का प्रयास है, क्योंकि माताओं बहनों आप अपने आप को कमजोर बिल्कुल मत समझना, क्योंकि इतिहास के पन्ने गवाही हैं इस बात के, स्वर्ण अक्षरों में वीरांगनाओं के नाम अंकित हैं। आप कोई भी इतिहास का पन्ना उठा करके देख लीजिएगा, पहला नाम किसका आता है जरा सुनेंगे, झांसी की रानी तुम हो, पन्ना सीधाई तुम हो, झांसी की रानी तुम हो, पन्ना सीधाई तुम हो, तुम किरणमयी, तुम किरणमयी बन जाओ रे, भारत की नारियों, तुम किरणमयी बन जाओ रे, भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे, भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों,
तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों। और अगला निवेदन आप सभी से है, ये विशेषतः माताओं के लिए पंक्तियाँ लिखी हैं, क्योंकि माताएं बहनें जो हमारे समाज में बाबा समय समय पर पनप जाते हैं, उनके चक्करों में ज़्यादा आ जाती हैं। आप सभी के लिए लिखा है क्या, मारो पोपो को डंडे जो बहकाते मुस्तंडे, मारो पोपो को डंडे जो बहकाते मुस्तंडे, पति देव का हुक्म निभाओ री भारत की नारियों, पति देव का हुक्म निभाओ री भारत की देवियों, 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 भारत को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ री भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों, क्योंकि कोई भी नारी इस राष्ट्र का आधार हुआ करती है, राष्ट्र के निर्माण में एक अपनी अहम भूमिका निभाई जाती है इन महिलाओं की।